हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। आज मैं आपके लिए एक बेबी गर्ल के स्वेटर का पैटर्न लेके आई हूँ। ये पैटर्न हमारा नियर अबाउट 1.5 से 2 साल के बच्चे का है और ये हमारा जो है नीचे से मैंने इसको स्टार्ट किया है और ऐसे पूरा इसको बनाते हुए योक में घटाते हुए पूरा हमारा ऊपर एक साथ घटा हुआ है। नीचे से स्टार्ट करते हुए इसको ऐसे बनाया गया है। तो ये जो इसमें मैंने बिनाई डाली है, इसको मैंने ऑलरेडी पहले इसका वीडियो अपलोड किया है, तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और इसको बनाने के लिए मैंने 9 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमको ये स्वेटर कैसे बनाना है। ये देखिए, इसकी स्टार्टिंग मैंने जो करी है वो टोटल 117 फंदों से करी है। हमारे इसमें टोटल यहां से यहां तक के 117 फंदे पड़े हुए, प्लस 5 फंदे इस साइड की पट्टी के हैं और 5 फंदे इस साइड की पट्टी के हैं। पट्टी के फंदे मिला के टोटल हमारे यहाँ पे 127 फंदे पूरे इस पार्ट में हैं। और उसमें मैंने ये डिजाइन डाला, ये ले वेव डिजाइन डाला, जाली वाला। इसका डिजाइन का वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वीडियो के एंड में या ऊपर राइट साइड में सभी के मैंने इसको लिंक डाला, आप उससे देख के इसको बना सकते हैं। और ये अब हमारा हो गया है, लगभग नापती हूँ मैं अभी, ऐसे इसको नापेंगे 9 इंच का हो गया। ये हमारा पार्ट पूरा 9 इंच का हो गया है। इसके बाद इसमें हमें अब बाजू बनानी है, तो बाजू हम इसकी जो बनाएंगे वो हाफ स्लीव ही बना रहे हैं। तो इतना बनाने के बाद इसकी हमें बाजू बनाई, तो बाजू बनाई देखिए मैंने कैसे बनाई। बाजू के लिए इसमें मैंने फंदे डाले, 56 फंदे डाले यहाँ पे, और 1 2 3 सिलाइयों का बॉर्डर बिना। और उल्टी साइड में आएंगे तो 20 फंदों के बाद से हम 2 फंदों का एक करेंगे, फिर एक, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, ऐसे। मतलब इसमें हमें 6 फंदे घटाने हैं और ये 50 फंदे करने हैं। ये 56 से स्टार्ट किया और इसको हमें 50 फंदे करने, बीच में हम यहाँ पे इतने दूर में 6 फंदे इसके घटा देंगे। ये देखिए, इसमें हमारे फंदे घट गए और ये हमारा यहाँ पे हमने घटा दिए और ऐसा हमारा बन के आ गया। इसके बाद ये सिलाई तो हमारी अभी सीधी चलेगी और उल्टी सिलाई में हम इसमें नेक्स्ट कलर लगाएंगे, पर्पल कलर। फिर जब हम सीधी सिलाई पे आएंगे तो इसमें कलर चेंज करेंगे। तो ये पूरी रो हम सीधी कंप्लीट करते हैं इतना बिनने के बाद, और इसमें फिर वहां से सारे बाजू भी इसमें डालेंगे, बाजू और प्लस आगे का पार्ट पूरा एक पार्ट में हमारा स्वेटर बनेगा। तो इसमें हम इसको पूरा एक पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। ये तो फंदे हमारे, चूंकि अभी एक सिलाई हमको इसमें डिजाइन के अकॉर्डिंग प्लेन चलानी है, तब हमारा नेक्स्ट कलर लगेगा। ऊपर पर्पल का हमको बनाना है, इसलिए हम यहां से उल्टी साइड से पर्पल कलर इसमें लगाएंगे। तो ये रो हम पूरी कंप्लीट करते हैं सीधी से उल्टी साइड में। पट्टी के तो हमारे 5 फंदे में व्हाइट कलर से ही बिने जाएंगे। इसमें मैंने 2 बॉल लगा रखी हैं, एक व्हाइट इस साइड की पट्टी के लिए और एक व्हाइट उस दूसरी साइड की पट्टी के लिए है। तो 5 फंदे हमारे ये व्हाइट हो गए। उसके बाद यहां से हम पर्पल बिनेंगे, क्योंकि हमको इसको अब यहां से इसके पार्ट इसके डिवाइड करने हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पट्टी के बाद के 117 फंदे हैं, तो इसमें हमारा आगे का पार्ट होगा 29 का और पीछे का पार्ट हमारा जो होगा वो टोटल हो जाएगा 59 फंदे से हम इसको बनाएंगे। तो 29 फंदों तक हम इसको बिनते हैं, उसके बाद इसमें बाजू के फंदे अटैच कराएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28 और ये 29, 29 फंदे हमारे हो गए। इसके बाद यहाँ पे अब हम जो हमारी बाजू है जिसमें मैंने 50 फंदे करें वो यहाँ पे अटैच करेंगे। इसके लिए सबसे पहले सिलाई को ऐसे पकड़ा और ये फंदे इसमें यहां से इनको भी उल्टा पूरा बिन लेंगे, ये ऐसे इनको इसमें ज्वाइंट हो जाएगा हमारा जिससे ये। इसके बाद इस फंदे पूरे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर पीछे का पार्ट भी इसमें जोड़ेंगे। ये टोटल हमने बाजू के फंदे इसमें बिन लिए, इन फंदों को पीछे किया और जो यहां पे हमारा फंदा है इसको बिनेंगे अब, ये वाला यहां से जो हमारे फंदे हैं इनको बिनेंगे। ये ऐसे ये पीछे के पार्ट के हमारे फंदे हो जाएंगे जो हम इसमें पूरे ऐसे बिनेंगे। 59 फंदे हमारे इसमें बिन लेंगे पीछे के पार्ट में। और इसी तरह ये बिनने के बाद फिर पीछे के पार्ट के फंदे हो जाएंगे, फिर यहाँ पे हम दूसरी बाह अटैच कराएंगे। पूरे फंदे हमारे इसी सिलाई पे ऐसे अटैच हो गए, ये स्लीव हो गई, ये पीछे का बाजू सब हो गया। इसके बाद जब हम यहाँ पे इसको बिनेंगे तो ये फंदे तो हम 5 पट्टी के इसी कलर से बिनेंगे सीधी सिलाई पे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 फंदे हमारे हो गए। इसके बाद जब हम ये पर्पल ऊन को लगाएंगे तो इसमें 8 फंदे बिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8 फंदे बिने और फिर 2 फंदों का 1 किया, फिर 8 फंदे बिनेंगे और फिर 2 फंदों का 1 करेंगे। पूरी रो हमको सीधी सिलाई की पूरी रो ये ऐसी करनी है कि 8 फंदे बिनने हैं और 1 फंदा उसके बाद घटाना है, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और 2 का 1 किया। पूरा यहां आप कराएंगे इसी तरह, बाजू करेंगे, बैक पार्ट करेंगे और उल्टी रो पूरी उल्टी कंप्लीट करते हुए आएंगे। ये देखिए इसको हमने ऐसे बिना, ये यहाँ पे हमने 8 फंदों पे बाद 8 फंदों के बाद एक एक फंदा घटाया, उसके बाद 8 सिलाइयां बिनी और 9वीं सिलाई पे जब आए तो हर छठे फंदे पे एक एक फंदा घटाया, मतलब 6 फंदे बिनने के बाद एक एक फंदा घटाया। और अब यहाँ पे हमने छठे 6 सिलाइयां बिन ली हैं और ये हमारी 7वीं सिलाई है, सीधी साइड की 7वीं सिलाई है। तो यहाँ पे अब हम फंदे हर 4 फंदों के बाद एक फंदे को कम करेंगे और ये बीच की लाइंस भी हम कम कर रहे हैं और फंदों का जो गैपिंग है ये भी कम कर रहे हैं। पहले 8 फंदों के बाद एक एक फंदे को घटाया और ये लाइनें 8 बनी और 9वीं सिलाई पे फिर हम आए जब, तो हमने हर 6 फंदे के बाद एक एक फंदा घटाया और अब हम 6 सिलाइयां बिन ली है मैंने और 7वीं सिलाई में आए हैं, तो हर 4 फंदे के बाद एक एक फंदा हमें घटाना है। तो ये स्टार्टिंग के तो हमारे 5 फंदे पट्टी के जैसे चल रहे हैं वैसे ही रहेंगे और ये वाले जो फंदे हैं पर्पल वाले ये हमको यहां से 4 बिने, 1, 2, 3 और 4 और एक फंदा घटाया, फिर 1, 2, 3
और चार, फिर एक फंदा ये घटाया। इसी तरीके से पूरी सीधी सिलाई कंप्लीट करनी है और उसके बाद इन सिलाइयों का जो डिस्टेंस है, पहले आठ सिलाइयां थी, फिर छह सिलाइयां हुई, अब चौथी सिलाई पे आएंगे तो हम हर दो फंदे के बाद एक फंदा घटाएंगे। इसी तरीके से हमको इसको बिनना है। आप हमेशा ये ध्यान रखिए, हमने जो इसमें गैपिंग करी है वो भी कम होती जा रही है और फंदों का जो घटाया है वो भी कम घट रहे हैं। पहले आठ फंदे के बाद घटाया, फिर छह फंदे के बाद फंदा एक घटाया और अब हर चौथे फंदे के बाद एक फंदे को घटा रहे हैं। ये डिजाइन देने के लिए इसको मैंने ऐसे करा है कि लाइनें पास पास आएंगी तो देखने में और अच्छी लग रही हैं स्वेटर में। ये इसी तरीके से इसको कंप्लीट करना है हमको पूरा। ये देखिए हमारा ऐसे बन के आता है। यहां से मैंने स्टार्टिंग करी थी, पहले आठ फंदों के बाद एक एक फंदा घटाया, आठ सिलाइयां भी नहीं, उसके बाद छह फंदों के बाद एक एक फंदा घटाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे छह सिलाइयां भी नहीं और छह सीधी सिलाइयां होने के बाद हर चौथे फंदे पे एक एक फंदा घटाया, फिर चार सिलाइयां भी नहीं और यहाँ पे हर दो फंदे के बाद एक एक फंदा घटाया, दो बिने एक घटाया, दो बिने एक घटाया। इसी तरीके से ये थर्ड, इसमें जो फोर्थ रो है वो कंप्लीट करी और फिफ्थ रो में हमने एक बिना और एक घटाया, एक बिना और एक घटाया। और फिर अब ये चार सिलाइयां प्लेन बिनने के बाद हम जब पांचवी सिलाई में आए हैं तो यहाँ पे अब हमारा यहाँ से इसका पूरा ये खत्म हो जाएगा। यहीं से हमको गले की पट्टी भी बनानी है तो इसमें हम हर फंदे को दो फंदों का एक करेंगे, यानी कि इसमें जो है पहले तो ये वाले फंदे हमारे जो हैं इनको हम ऐसे ही बिनते हैं, व्हाइट वाले जो हैं ये तो हमारे एज इट इज पट्टी के फंदे जैसे चल रहे हैं वैसे ही रहेंगे। ये हमारे पांच फंदे हो गए। इसके बाद ये जो हमारा पर्पल कलर वाला ऊन है इसमें एक फंदा प्लेन बिन लिया यहाँ पे, इसके बाद दो फंदे का एक किया, फिर दो फंदे का एक किया, फिर दो फंदे का एक किया। इसी तरीके से पूरे फंदों में हम हर फंदे पे दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे। इसको ये ऐसे दो फंदों का एक फंदा बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे और इसके बाद उल्टी सिलाई में उल्टा बिनेंगे और चार सिलाइयों का इस पे बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। जो गले का बॉर्डर हमारा होगा इसी के बाद से हमारा अब गले का बॉर्डर यहीं पे बनेगा और ऐसे ही हमारे सारे फंदे ये खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे जितने भी फंदे बचे हैं अभी मैं काउंट करके बताती हूँ पूरी रो कंप्लीट करने के बाद कि हमारे लास्ट में कितने फंदे हो गए हैं। बस आपको हर फंदे पे दो फंदों का एक फंदा करना है और अपनी ये रो कंप्लीट करनी है। ये हमारे सारे दो फंदों के मैंने एक फंदे कर लिए और अब हमारे इसमें गले पे जो हमारा इससे गला बनेगा, ये टोटल फंदे हमारे होते हैं दो चार छः आठ, ये हमारे यहाँ पे टोटल 40 फंदे हैं पर्पल और 10 फंदे हमारे पट्टी, पांच पांच फंदे पट्टी के हो गए, टोटल 50 फंदे हो गए। और अब हम इसमें इसका गला बनाएंगे तो यहां से अब हम इसको क्लोज करेंगे और जो व्हाइट ऊन है इसी से पूरी उल्टी रो कंप्लीट करते हुए इसमें व्हाइट कलर से ही गले की पट्टी बनाएंगे। पूरी हमारी चार सिलाइयां जो बनेंगी व्हाइट कलर से बनेंगी, जैसे हम बॉर्डर नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही हमको बिनना है, और मगर इसको बिनना हमें व्हाइट कलर से क्योंकि अब यहाँ पे खत्म करेंगे तो गले की पट्टी बनाएंगे। तो ऐसे हम उल्टी साइड से व्हाइट लगाएंगे और दोनों साइड से उल्टा उल्टा इसको बिनते हुए आएंगे और व्हाइट कलर से इसमें गला हमारा बनेगा। देखिए इसमें पूरा ऐसे चार सिलाइयां हमारी बन गई, एक दो तीन, तीन सिलाइयां साइड से बनी, चौथी सिलाई पे जब हम आए, तीन मीन्स दो चार दो छः, छः दो सिलाइयों से हमारी एक उल्टी रो कंप्लीट होती है। इसके बाद यहाँ पे आने पे अब हम
इसको फंदों को बंद करेंगे। ये बॉर्डर आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप इससे चौड़ा भी बनाना चाहें तो चौड़ा बना सकते हैं, लेकिन चूंकि सारी पट्टियां हमारी एक जैसी हैं इसलिए हमारे इस हिसाब से बॉर्डर ये बिल्कुल सही है। तो अब फंदों को हम सारे फंदों को पूरा एक साथ बंद कर देंगे, दो का एक करते हुए पूरा गला ऐसे ही बंद करेंगे। और ये हमारे सारे फंदे इसमें बंद हो गए। ये देखिए गला उतारने के बाद इसकी जो साइड की यहाँ पे जो बाजू इतनी खुली थी खाली यहां से यहां तक, उसकी भी मैंने सिलाई कर दी। और ये हमारा पूरा बनने के बाद इसका जो फाइनली लुक आता है ये ऐसे पूरा ये बन के आता है। ये नीचे से हमारा ऐसा हो गया, वेव्स डिजाइन में हो गया, और ये ऊपर हमारा ऐसे फ्रॉक में आ गया, पूरा गोल योक में बना हुआ है ये, ऐसे पूरा बन के आता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें, जिससे बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।